भाई काफी ज्यादा हंगामे भरपूर जा रही है ते इस नाल ही अगे वधांगे गैंगस्टरां ते अत्तवादियां दे खिलाफ एनआईए दी वड्डी कार्रवाई वेखण नूं मिली है। वड्डी खबर इस वक्त तुहाडे नाल सांझी कर रहे हां, लॉरेंस ते बंबीहा गैंग दे मैंबरां दी जायदाद अटैच करेगी एनआईए। गैंगस्टरां दे गठजोड़ दे विच अटैच होवेगी पंजाब दे गैंगस्टरां दी जायदाद। पंजाब दे विचों बंबीहा गैंग दीआं तीन जायदादां अटैच होणगीआं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਨੀਪਤ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਟੈਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਲਾ ਰਾਣਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਟੈਚ ਕਰੇਗੀ ਐਨਆਈਏ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਟੈਚ ਕਰੇਗੀ ਐਨਆਈਏ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ गठजोड़ दे विच अटैच होवेगी पंजाब दे गैंगस्टरां दी जायदाद। पंजाब दे विचों बंबीहा गैंग दीआं तीन जायदादां जो ने ओ अटैच होणगीआं। तो एनआईए दे वल्लों वड्डी मुहिम जिहड़ी आ चलाई गई है। एनआईए दा वड्डा एक्शन गैंगस्टरां ते, गैंगस्टर जिहड़े कि हुण एनआईए दे शिकंजे विच आ चुके ने। सो वधेरे जानकारी दे लई साडे नाल सहयोगी जितेंद्र शर्मा फोन लाइन ते ने। जी जितेंद्र, एनआईए दी वड्डी कारवाई है, क्या जा रहा है कि हुण जायदाद अटैच कीती जावेगी, की मामला है? देखिए, जो एनआईए जांच कर रही है गैंगस्टर्स और टेररिस्ट का जो गठजोड़ हो गया है उस मामले में जो जांच कर रही है, और जो पंजाब बेस्ड जो गैंगस्टर है उन पर ये कार्रवाई कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई और देवेंद्र भांबिया, ये दोनों राइवल गैंग है जो जिन्होंने अपना एक नेक्सस बना लिया है, जिनकी तार भारत से बाहर पाकिस्तान और जो दूसरे देश में जो छिपे हुए बैठे हैं उनसे जुड़े हुए हैं। उन्हीं पर कार्रवाई करते हुए एनआईए ने आज पंजाब में जो भांबिया गैंग है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको अटैच किया है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर भी कार्रवाई करते हुए, यमुनानगर सोनीपत में भी कार्रवाई करते हुए जो काला जठेड़ी और काला राणा गैंग है उन लोगों की प्रॉपर्टीज को भी अटैच किया जा रहा है। और ये एक बड़ा जो नेक्सस इन लोगों ने बना लिया था, जिसने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ तक के जो गैंगस्टर थे उनको अपने गैंग में शामिल कर लिया था। और उसके बाद अलग अलग तरीके से इस पूरे नेक्सस को कंट्रोल कर रहे थे, ना सिर्फ ये एक्सटोर्शन ले रहे थे बल्कि जो पंजाब के जो प्लेयर्स हैं, सिंगर्स हैं, उनको भी धमका करके अपने गैंग में शामिल करके जो अपनी अवैध कमाई थी उनको खेलों और म्यूजिक के जरिए वैध कर रहे थे। तो इस मामले में कार्रवाई करते हुए एनआईए ने ये सब प्रॉपर्टीज अटैच की हैं। जी जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए।